जय हिंद दोस्तों। अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े रोक दिए गए फरवरी महीने के, जिसके बाद डीए 50% मर्ज होने की संभावना है। 1 जनवरी 2024 से डीए की गणना जीरो से शुरू की जाएगी और इस पर जी बिजनेस ने भी मुहर लगाई है। अब नई बेसिक जो होगी 18,000 से बढ़कर 27,000 कर दी जाएगी, क्योंकि डीए को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक में। पहले तो मैं आपको जी बिजनेस की वो खबर दिखाऊंगा, इसके बाद जो सरकार का क्या कहना है, AICPIN के आंकड़े रुके हैं, क्यों रोके गए, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जी बिजनेस की जो खबर आई है, जनवरी महीने से डीए की जो गणना है वो जीरो से शुरू की जाएगी, जीरो से कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो डीए है इसको जीरो से इसलिए कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए का गणित बदलने जा रहा है। दरअसल 1 जनवरी से कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। नियम के मुताबिक 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक में मर्ज करके शून्य से गणना शुरू की जाएगी महंगाई भत्ते की, लेकिन लेबर ब्यूरो की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। यानी कि लेबर ब्यूरो के जो अखिल भारतीय सूचकांक हर महीने जारी होते हैं, फरवरी महीने के नहीं आए हैं, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अब डीए मर्ज किया जाएगा, इसीलिए इस जो हर महीने आते थे वो आंकड़े रोक दिए गए हैं। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 50% से आगे ही चलेगी, लेकिन शून्य कब किया जाएगा इस पर बड़ी अपडेट आई है। बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए 50%। सरकार ने साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था, यानी कि जीरो कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा है उसे बेसिक यानी कि न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। डीए मर्ज इन बेसिक सैलरी कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसमें 50% डीए यानी कि 9,000 रुपए और ऐड कर दिया जाएगा। 50% डीए होने के से इस पर बेसिक में जो जोड़ दिया जाएगा तो महंगाई भत्ता उस समय शून्य कर दिया जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी रिवीजन होकर 27,000 हो जाएगी। 18,000 से बढ़कर 27,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी। पेंशन भी इसी तरह से बढ़ेगी, जिसकी जितनी बेसिक है उसका 50% बढ़ जाएगा। अब ये जी बिजनेस ने जो खबर दी है, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर नया अपडेट है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन बदल रही है। जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता शून्य से कैलकुलेट होगा, लेकिन इसके नंबर जो जनवरी से जून के AICPI इंडेक्स के आधार पर आने हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। फरवरी महीने की के अभी रिलीज नहीं किए गए हैं। इसके मुताबिक 1 जनवरी जो 1% का उछाल हो चुका है, इसका मतलब 51% जो डीए है वो बढ़ चुका है। AICPI के जो फरवरी के इंडेक्स आने हैं वो जैसे ही आएंगे इस पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है ये क्लियर हो जाएगा। बता दें शून्य महंगाई भत्ता कब होता है, एक्सपर्ट की माने तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा, क्योंकि सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 से लागू होगा, ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा जब शून्य से कैलकुलेशन होगी, मतलब जनवरी से जून 2024 में AICPI के इंडेक्स तय करेंगे कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा या 4%। 50% पर महंगाई भत्ता जो हुआ है इसको मर्ज किया जाएगा, ये जी बिजनेस ने बड़ी अपडेट दी है। लेकिन बता दें जो सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं दिया गया है कि क्या ये मर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, शून्य से डीए शुरू होगा या नहीं शुरू होगा। लेकिन जो फरवरी महीने के AICPI के आंकड़े जो आते हैं उसको सरकार ने रोक के रखा है, इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डीए जो जनवरी 2024 से जो मिलेगा वो 50% बढ़कर दिया जाएगा, लेकिन जो जुलाई से दिया जाएगा उसको शून्य करके दिया जाएगा और जो डीए 50% है इसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, इसीलिए AICPI के आंकड़े सरकार जारी नहीं कर रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
लेकिन अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं दी है। जैसे ही सरकार का कोई स्पष्टीकरण आएगा या फरवरी के सीपीआईएन आएंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या डीए आपका मर्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।